हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने अप्लाई किया है मैट गार्ड अपने आईफोन 10 पे और मुझे कम से कम 2 महीने हो गए हैं मैट गार्ड को यूज़ करते हुए। आज की वीडियो में बात करेंगे मैट गार्ड की कुछ खासियत क्या है और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सिंपली आईफोन 13 के ऊपर, 13 प्रो के ऊपर मैंने जंप किया है और इसमें मैं नॉर्मल फुल गार्ड यूज़ कर रहा हूँ और ये जो है ट्रांसपेरेंट है, कोई भी मैटी वगैरह नहीं है। तो सिंपली आपको मैं बताऊँगा कि ट्रांसफ़र होने के बाद में, जब मैंने एक हफ्ता हो गया है 13 प्रो यूज़ करते हुए, तो इस तरह वाले गार्ड में क्या फ़र्क है और मैटी गार्ड वाले में क्या फ़र्क रहेगा, उसके क्या फ़ीचर्स रहेंगे और क्या उसमें कमियाँ रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे मैट गार्ड के साथ 2 महीने हो गए हैं और मैट गार्ड की आप कंडीशन भी चेक कर सकते हो। काफ़ी सारे स्क्रैचेस, जैसे कि टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्क्रैच आया है और नीचे बॉटम सेक्शन में भी 2-3 स्क्रैचेस हमें देखने को मिल गए हैं। तो बेसिकली बात करेंगे मैट गार्ड में क्या फ़ायदे हैं और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले नुकसान की बात करूंगा गाइस इसके मैट गार्ड की, क्योंकि नुकसान एक तो हैं लेकिन फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पे जो है फिंगरप्रिंट स्मजेस काफ़ी जल्दी आएंगे, लेकिन इस गार्ड में भी जल्दी आएंगे, लेकिन इस गार्ड पे जो स्मजेस आएंगे वो बिल्कुल भी जल्दी हटते नहीं हैं जब तक इसे वेट क्लोथ के साथ साफ़ ना करो, गीले कपड़े के साथ साफ़ ना करो। अभी तो मेरे हैंड साफ़ हैं, लेकिन जब आप गंदे हाथों से इस फ़ोन को यूज़ करोगे मैट गार्ड के साथ, तो इसके ऊपर जो दाग होंगे फिंगरप्रिंट्स के, वो गाइस बहुत ही बकवास और बहुत बुरे लगेंगे, क्योंकि ये जो है शाइन नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता दाग को, लेकिन जब भी दिखते हैं बहुत ही चीप लगते हैं, कि पता नहीं कैसी टाइप, जैसे थोड़ा ऑयली टाइप हो रखा हुआ है फ़ोन, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है मैट गार्ड के ऊपर। बाकी जब मैट गार्ड पुराना हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में स्क्रैचेस काफ़ी आ गए हैं मैट गार्ड के ऊपर, स्पेशली आपको मेंशन हो रहा है कि कितने सारे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, तो ये जो कमी है मैट गार्ड की, कि बहुत सारे स्क्रैचेस को विजिबल कर देता है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं फुली क्लीन्ड A to Z हमें इस डिवाइस के ऊपर ये जो गार्ड है देखने को मिला है, और सिंपली क्लियर करूँ, ये इस गार्ड के ऊपर ज़्यादा स्क्रैचेस भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये इस रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट कर देता है कोई भी लाइट को, तो ये गार्ड ज़्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन मैट गार्ड के कोई फ़ायदे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट सनलाइट में हो तो आपको जो है सिंपली कोई भी रिफ्लेक्शन आपकी आंखों को नहीं मिलेगी, जो भी रिफ्लेक्शन होगी वो एक तरह से डिफ्यूज़ हो जाएगी और बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये खास फीचर है मैट गार्ड की। और गाइज, ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि मान लो कि आईफोन 13 प्रो आपने पीछे से, आपको पता है कि ये फ़ोन जो है मैटी है, और जो 13 सीरीज़ हैं वो ग्लास बैक वाले हैं, ये भी ग्लास वाले हैं, लेकिन ये मैटी केस में, मतलब मैटी फील देते हैं। तो ये जो मैटी फील है हमें जो है सिंपली एग्जैक्टली सेम लाइक हमें जो है इसके फ्रंट में देखने को मिलेगी मैट गार्ड से। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैट गार्ड जो है फेस आईडी से हमेशा जो है अपने स्कैनर्स को कट करेंगे, क्योंकि जो मैट पोर्शन से फेस आईडी इतनी ज़्यादा बढ़िया से डिटेक्ट नहीं होती है। और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी कमी की, कि मैट गार्ड में फ़ोटोज़ थोड़ी सी गलत या फिर इतनी सही नहीं दिखती, क्योंकि हमें जो है टेक्स्ट मैट गार्ड में इतना क्लियर और क्रिस्प नहीं देखने को मिलता जितना कि नॉर्मल गार्ड में सही दिखता है। मैट गार्ड सेकेंड नंबर पर एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, अट्रैक्शन का कारण बनता है, क्योंकि नॉर्मली या यूजुअली सभी ने रिफ्लेक्शन या नॉर्मल ट्रांसपेरेंट गार्ड अप्लाई कर रखे होते हैं, और जो डिफरेंट ही मैट गार्ड अप्लाई करते हैं और वो भी काफ़ी यूनिक वाला, जो कि साइड से शाइन भी करता है, तो वो काफ़ी सही लगता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं आईफोन 10 में यहाँ पर जो फेस आईडी वाला सेक्शन है वो सिर्फ शाइन करता है और बाकी जो है टोटली स्क्रीन मैटी है, तो काफ़ी अट्रैक्शन का कारण बन जाता है ये फ़ोन। तो सिंपली अगर मैं क्लियर करूं कि अगर आपको आपको काफ़ी टाइम हो गया है ट्रांसपेरेंट गार्ड यूज़ करते हुए, तो आपको जस्ट मैट गार्ड के ऊपर शिफ्ट करो, और जो मैट गार्ड यूज़ करते हैं वो ट्रांसपेरेंट गार्ड के ऊपर शिफ्ट करो, दोनों ही चेंजेस जो हैं आपको ड्रास्टिक लगेंगे। काफ़ी सही लगता है जब हम शिफ्ट होते हैं मैट गार्ड से दूसरे गार्ड में, क्योंकि जो नॉर्मल यूनिवर्सल गार्ड होते हैं ट्रांसपेरेंट, वो ज़्यादा चलते हैं, सिंपली क्लियर करूँ, और जो ट्रांसपेरेंट गार्ड नहीं रहते, मैटी रहते हैं, वो जो है कुछ समय के लिए ही उनका एक तरह से लस्ट या थोड़ा सा बनता है, और बाकी उसकी जो चॉइस या उसका जो उत्साह होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है स्मजेस या फिर स्क्रैचेस के कारण। तो सिंपली क्लियर करूँ, जो शिफ्ट हो रहे हैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर वो मैट के ऊपर हो जाओ, मतलब जो मैट अप्लाई करके रखे हैं वो ट्रांसपेरेंट गार्ड अप्लाई करो, और जो ट्रांसपेरेंट गार्ड अप्लाई करते हैं वो सिंपली मैट ट्राई करके देखो, दोनों को अलग अलग फीलिंग आएगी, और काफ़ी डिवाइस से नई चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, मतलब डिवाइस बोर हो जाती है ना वो चीज़ निकल जाएगी।
आई होप गाइज आपको ये मैट कार्ड की जो सीरीज की वीडियो है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।